मंगलौर के गुरुकुल नावसन इंटर कॉलेज में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। बता दें कि आयोजित संगोष्ठी में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने शिरकत की। वहीं इस मौके पर मंत्री रेखा आर्या ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र के सामने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक देश में एक प्रधान एक विधान एक निशान के मुद्दे और भारत की अखंडता को लेकर अपना बलिदान दिया था। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ के हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कश्मीर सत्याग्रह के लिए अभियान शुरू किया और इसके लिए उन्हें अपनी जान भी देनी पड़ी। इसके तहत ही कश्मीर में धारा 370 समाप्त कर एक देश में एक विधान की भावनाओं को सम्मान करने का कार्य पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने किया है और ये काम देश की अखंडता और सीमा की सुरक्षा के लिए बलिदान देने वालों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। मंगलौर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। आज जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है। निश्चित रूप से उनका जो बलिदान एक राष्ट्र एक विधान एक संविधान एक निशान है, किस प्रकार से उन्होंने यह नारा दिया और उस नारे को किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको एक रूपता दी, यानी कि एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में भारत को स्थापित करने का काम किया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाकर इसको चरितार्थ करने का काम किया। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान से हर एक कार्यकर्ता हर एक नागरिक यह सीखता है कि जब जब राष्ट्र को आपकी ज़रूरत हो तो समर्पण कैसे किया जाता है। आप बलिदान जब देते हैं तो लोग आपके प्रति या राष्ट्र को क्या उसके प्रति भाव अभिव्यक्ति होती है, यह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से सीखा जा सकता है। हम सब लोगों ने आज उनके इसी बलिदान के प्रति अपने भाव को श्रद्धा सुमन के रूप में हमने अर्पित किया है। निश्चित रूप से हर कार्यकर्ता राष्ट्र को अपना जीवन समर्पित करेगा। हर कार्यकर्ता राष्ट्र हित में जो वो अपनी ओर से एफर्ट्स कर सकता है वह एफर्ट्स जो है वह अपने जीवन में करेगा।